जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आश्रम में। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये जो सप्ताह है 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2020 की हम बात करेंगे। पहली राशि है मेष राशि, एरीज की हम बात करेंगे। कोई भी शुभ समाचार इस सप्ताह आपको मिल सकता है। यात्रा या विदेश यात्रा का योग यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, जो आपके लिए लाभकारी होगी। परिवार में सुख का माहौल रहेगा। धन आगमन के कोई नए स्रोत बनने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई यहाँ दिख रही है। सप्ताह कुल मिलाकर उन्नति दिलाने वाला है। अगली राशि की बात करेंगे वृषभ राशि, टोरस की हम बात करेंगे। खर्चे बढ़ेंगे सप्ताह आपके। शेयर या भूमि में निवेश बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए नुकसान हो सकता है, आपके लिए लाभकारी बिल्कुल भी नहीं है। वाद विवाद हो सकता है, परिवार में आपका जो माहौल रहेगा तनाव भरा रह सकता है सप्ताह आने वाला समय, लेकिन अच्छा है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति इस सप्ताह मजबूत रहने वाली है। अगली राशि की बात करेंगे, अगली राशि है मिथुन राशि, जेमिनी की हम बात करेंगे। स्थानांतरण हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग इस सप्ताह दिख रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होती हुई दिख रही है। भूमि या शेयर में निवेश आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये लाभकारी होगा। समय आपका सफलता दिलाने वाला है। फिजूल की चिंताएं आपको सताएंगी, यानी भविष्य की चिंताएं आपको सता सकती हैं सप्ताह। व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। अगली राशि की बात करेंगे कैंसर, कर्क राशि की हम बात करेंगे। आर्थिक और शारीरिक समस्या का समाधान इस सप्ताह होता हुआ दिख रहा है, जो काफी समय से चल रही थी। अगली में बात करूं, धन में अचानक वृद्धि होती हुई दिख रही है। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिख रही है। कोई नया समाचार आपको इस सप्ताह मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। अगली राशि की बात करेंगे, अगली राशि है सिंह राशि, लियो की हम बात करेंगे। प्रेम प्रसंग बनेंगे, विवाह प्रस्ताव आपका आ सकता है। अंधविश्वास किसी पर भी ना करें, इस सप्ताह आपको धोखा मिल सकता है। लंबी दूरी की कोई यात्रा अगर है तो उससे आपको बचना होगा, लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है इस सप्ताह। खर्चों में कटौती आपको करनी होगी, किसी को उधार देने से आपको बचना होगा। कोई निवेश भी इस सप्ताह आप बिल्कुल भी ना करें। अगली राशि की बात करेंगे कन्या राशि, वर्गों की हम बात करेंगे। फिजूल खर्चों से आपको यहाँ बचना होगा। भूमि शेयर में निवेश इस सप्ताह बिल्कुल भी ना करें। व्यवसाय में कोई नई डील अगर होनी है तो उसको आप रोक दें, नहीं करनी है। उधार लेने से आपको बचना होगा। आय में लेकिन वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिख रही है। मतभेद और अलगाव की स्थिति बनेगी। वाणी पर इस सप्ताह आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। अगली राशि की बात करेंगे, अगली राशि है तुला राशि, लिब्रा की हम बात करेंगे। मांगलिक कार्य हो सकते हैं, खर्चों में बढ़ोतरी आपकी होती हुई दिख रही है, लेकिन परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। यात्रा के योग हैं, जो आपके लिए लाभ दिलाने वाले हैं। किसी प्रकार का निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। अगर कोई पुरानी समस्या आपकी चली आ रही थी तो उस समस्या से यहाँ निजात मिलती हुई दिख रही है। आर्थिक स्थिति इस सप्ताह मजबूत रहने वाली है। अगली राशि की बात करेंगे, अगली राशि है स्कॉर्पियस, वृश्चिक की हम बात करेंगे। स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई भी यहाँ पर दिख रही है। जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं। परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको इस सप्ताह रखना होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी समय सफलता दिलाने वाला है। अगली राशि की बात करेंगे, अगली राशि है धनु, सैजिटेरियस की हम बात करने वाले हैं। कोई शुभ समाचार यहाँ पर मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में कोई नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है। लंबी दूरी की कोई यात्रा है तो आपको बचना होगा। वाहन से कष्ट यहाँ पर संभव है। समय सफलता दिलाने वाला है। कुल मिलाकर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन भी सप्ताह हो सकता है। अगली राशि की बात करेंगे, मकर राशि, कैप्रिकॉन्स की बात करेंगे। आय में वृद्धि होगी, पदोन्नति के अवसर भी यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। पैतृक संपत्ति मिल सकती है आपको। शेयर मार्केट में आपको लाभ दिलाने वाला आ रहा है। कोई नई योजना आप यहाँ पर बना सकते हैं। आने वाला समय अच्छा है। संतान पक्ष से भी कोई सुखद समाचार आपको इस सप्ताह मिल सकता है। अगली राशि की बात करेंगे, कुंभ राशि, एक्वेरियस की हम बात करेंगे। विवाह प्रस्ताव आपको इस सप्ताह मिल सकता है। परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। उन्नति के योग बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति भी संभव है। आर्थिक मामलों में सफलता आपको मिलने वाली है। व्यवसाय में लाभ होगा। जीवन साथी का सहयोग पूरे सप्ताह आपको मिलता रहेगा। अगली राशि की बात करेंगे, अंतिम राशि मीन राशि, पाइसिस की बात करेंगे। किसी प्रकार का कोई शुभ समाचार यहाँ पर मिलने वाला है। कोई नया कार्य अगर करने वाले हैं तो बिना किसी अपने की सलाह के बिल्कुल भी ना करें, सलाह लेकर करें। समय उत्तम है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। छात्रों के लिए समय भी बहुत उत्तम है। नमस्कार।